बिहार और असम में बारिश और बाढ़ से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। बाढ़ से अब तक बिहार में 92 और असम में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार और असम में बाढ़ का तांडव जारी है और अभी भी यहां हालात बेहद खराब हैं। पिछले 24 घंटों में बिहार में बाढ़ की वजह से 12 और असम में 11 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ से अब तक बिहार में 92 और असम में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण दोनों राज्यों की कई नदियां उफान पर हैं और वो खतरे के निशान को भी पार कर गई हैं। बिहार के 12 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। सीतामढ़ी जिले में हालात सबसे खराब है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत हर पीड़ित परिवार को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उधर पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ से हालात बहुत खराब है। राज्य के 33 जिलों में से 27 जिले अभी भी भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पानी में डूबे हुए हैं। शुक्रवार को असम के 10 बीजेपी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज्य में आई बाढ़ के हालात की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।